डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.5 के सम करेंगे। फर्स्ट, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सम का मीनिंग है यहाँ ऐड करना, इनको जोड़ करना है। इनका ए पार्ट है स्टूडेंट्स 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। इसमें पहला स्टेप स्टूडेंट्स ये होगा कि डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट होनी चाहिए सभी में, जिसका भी हमें चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें। देखो इसमें तो है 3 डिजिट, इसमें है 1 डिजिट और इसमें है 2 डिजिट, तो सबसे पहले इनको सेम करो। अब इसके तो हम कम कर नहीं सकते, इनके बढ़ा सकते हैं लास्ट में 0 लगा के। इसमें 2 टाइम 0 लगा दिया तो 3 डिजिट हो गए, इसमें 1 टाइम 0 लगा दिया तो 3 डिजिट हो गए। अब हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं 0 0 7 8 0 0 8 0 5 0, तो 5 हो गया, तो डेसिमल 0 8 0, तो क्या हुआ 8, और अब क्या बच गया ओनली 3, तो इनका सम कितना आ गया 38.587। बी पार्ट 15 + 0.632 + 13.8। अब इसमें डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, तो मैक्सिमम 3 डिजिट है, तो हमें सभी में 3 डिजिट बना देंगे। यहाँ डेसिमल लगाओ, 3 टाइम 0 लगा दो और इसमें 2 टाइम 0 लगा दिया। अब देखो डेसिमल के बाद इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट और इसमें भी 3 डिजिट। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं 0 2 0, तो क्या आएगा 2 0 3 0, तो क्या आया 3। 8 में 6 ऐड किया 14, और 14 में 0 ऐड किया 14 का 4 बचा क्या 1। अब आ गया डेसिमल, अब वो जो 1 बचा हुआ किस में ऐड करेंगे 3 में, 3 में 1 ऐड किया 4 0 और ये 5, क्या हो गया 9। अब 1 और 1 2, तो इनका सम कितना आ गया 29.432। सी पार्ट 27.076 + 0.55 + 0.004। इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हमें इसमें 1 0 लगा के इसमें भी 3 डिजिट बना देंगे। अब इनको ऐड करते हैं 4 0 6, 4 में 6 ऐड किया कितने हो गए 10 की 0 बचा 1, अब ये 1 इसमें ऐड हो गया। 0 में 1 ऐड किया 1 में 5 ऐड किया 6 में 7 ऐड किया 13 की 0 फिर 1 बचा, अब वो 1 इसमें ऐड कर दिया। 0 में 1 ऐड किया 1 में 5 ऐड किया 6 में 0 ऐड किया 6, फिर डेसिमल 0 0 7, तो 7 हो गया। अब ये ओनली 2 बचा हुआ है, तो ये हो गया 27.630, जिसका आंसर दिया हो सकता है 27.63, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डी पार्ट 25.65 + 9.005 + 3.7, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 टाइम 0 लगा दी 3 हो गए, इसमें 2 टाइम 0 लगा दी इसमें भी 3 डिजिट हो गए। अब इनको ऐड करते हैं 0 0 में 5 ऐड किया 5 में 0 ऐड किया 5 0 0 5 7 0 6 7 में 6 ऐड किया 13 का 3 बचा 1, अब आ गया डेसिमल। अब 1 किस में ऐड होगा इसमें 3 में 1 ऐड किया 4 में 9 ऐड किया 13 में 5 ऐड किया 18 का 8 फिर 1 बच गया, अब वो 1 किस में ऐड होगा इसमें
तो इसका आंसर आ गया 38.355। ई पार्ट 0.75 प्लस 10.425 प्लस 2। अब इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें है नहीं, तो सभी में 3 डिजिट बनाएंगे। इसमें 1 टाइम 0 लगा दी 3 हो गए, और इसमें पॉइंट लगा के 3 टाइम 0 लिख दो तो इसमें भी 3 डिजिट हो गए। अब इनको ऐड करो 050, तो क्या हुआ 50257047। 4 में 7 ऐड किया 11, 11 का 11 बचा 1। अब डेसिमल 1 किस में ऐड होगा, इसमें 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 0 ऐड किया 3, और 3 में 0 ऐड किया 3। अब कितना बचा हुआ हमारे पास है, ओनली ये 1 बचा हुआ है, तो ये यहाँ लिख देंगे। आंसर आ गया इसका 13.175। एफ पार्ट 280.69 प्लस 25.2 प्लस 38। अब इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं, तो मैक्सिमम 2 डिजिट है, तो हमें 2 डिजिट कर देंगे सभी में। 009 026 8 हो गए। अब पॉइंट 8 में 5 ऐड किया 13 में 0 ऐड किया 13 का 3 बचा 1, 3 में 1 ऐड किया 4 में 2 ऐड किया 6 में 8 ऐड किया 14 का 4 फिर 1 बच गया, तो 1 किस में ऐड होगा, इसमें 343.89। ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, और अपना फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया।